व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे धोनी नहीं कर पाए फिनिश इन स्टाइल कोहली के आरसीबी प्लेऑफ में। भाई साहब कल क्या मैच हुआ था, एक बार तो बारिश आ गई, मुझे लगा यार ये बारिश ना रुक जाए, जरूर जानी चाहिए मैच देखना। ग्राउंड क्या वो था ना जो तुम मैं वो देख रहे थे आप, जैसे पानी जहां पर था वो कैमरे पे भी दिखाते, एकदम से पानी सोक हो रहा था। तो देखते पहले आरसीबी की पूरी वीडियो, उसके बाद करते हैं बात। 1 2 3 गो। अच्छा कल बेंगलुरु में दो बार बारिश हुई, एक बार बादलों से पानी बरसा और दूसरी बार चेन्नई फैंस की आंखों से। ओ भैया No. नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप, पिछले एक हफ्ते से चेन्नई और बेंगलुरु वाले मैच का इतना हाइप क्रिएट कर चुके थे कि एक बार को तो मैं अपने घर का एड्रेस भूल सकता हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता था कि शनिवार वाले दिन धोनी और कोहली खेलने वाले हैं। और सच बताऊं तो वाकई इस साल का अब तक का बेस्ट मैच। कौन लिख रहा है ये वाली स्क्रिप्ट भैया? मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें बॉलीवुड में भयंकर काम धंधा दिलवाऊंगा। बस अगर दिक्कत है तो इस बात की कि यार धोनी और कोहली में से किसी एक का दिल टूटना था और धोनी भाई का टूट गया। शायद हमने आखिरी बार उनको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में भी खेलते देख लिया और अगले साल से उन्हें बतौर खिलाड़ी नहीं देखेंगे। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि धोनी भाई इंस्टाग्राम पर मैं पल दो पल का शायर हूं टाइप की कोई पोस्ट अपने रिटायरमेंट को लेकर नहीं डालेंगे। लेकिन कोहली भाई की बेंगलुरु को बहुत बहुत बधाई, एक महीने तक मैच न जीतने के बावजूद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाना हर टीम के बस की बात है। भाई मैं तो मान गया विराट कोहली को, इतनी एनर्जी तो मुझे 4 लीटर ग्लूकोज पीने के बाद भी नहीं आएगी जितनी कोहली भाई ने हर बॉल फेंके जाने के बाद दिखा दी। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। गायकवाड़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में टॉस जीत लिया और तुरंत से पहले कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे। विराट और फाफ डुप्लेसी को पता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और उन्होंने आते ही बॉल देखो और बॉल पेलो पर योजना चालू कर दी। बीच में अचानक से बारिश आ गई और कुछ देर के लिए मैच रुका, और जब शुरू हुआ तब मुझे समझ में आया कि इच्छाधारी खाली नागिन नहीं होती, पिच भी होती है, क्योंकि आधे घंटे की बारिश में इस पिच ने पूरा रूप ही बदल लिया। इतनी टर्न होने लगी जैसे चुनाव के बाद नेता लोग टर्न मार जाते हैं। मैच के बाद फाफ डुप्लेसी ने बताया भी कि उस वक्त पर हमें लग रहा था कि ये 150 रन की पिच हो गई है, लेकिन मुश्किल पिच पर भी ओपनिंग पार्टनरशिप 78 की लग गई। कोहली अपनी हाफ सेंचुरी से पीछे रह गए, लेकिन कप्तान डुप्लेसी ने हाफ सेंचुरी बनाकर ही दम लिया। इसके बाद रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक सब ने 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और मैक्सवेल ने तो 5 में 16 रन बनाकर बेहतरीन फिनिश दिलाई और बेंगलुरु 218 रन का बड़ा टारगेट बनाने में कामयाब हो। मुझे तो यही लग रहा था कि चेन्नई के साथ अब कुछ भीषण गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर चेन्नई को जीतने के लिए 219 चाहिए थे, लेकिन याद रखिए कि क्वालिफाई होने के लिए उनको सिर्फ 201 का टारगेट बनाना था क्योंकि उनका नेट रन रेट बेंगलुरु से बेहतर था। लेकिन पहले ही गेंद पर चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट मैक्सवेल की बॉल। मुझे इस मैच में दो लोगों से उम्मीद थी कि वो अच्छा करेंगे, उनमें से एक थे डैरिल मिशेल, जिन्होंने मुझे और पूरे चेन्नई को निराश किया। चेन्नई के 2 विकेट जल्दी चले गए थे और ऐसे में रहाणे साहब ने दिखाया कि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है। रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने बढ़िया हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप करी, और रचिन रविंद्र जिनका कनेक्शन इंडिया के बेंगलुरु से, उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ भी बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई। दूसरे खिलाड़ी जो मुझे लग रहा था कि मैच में बढ़िया करेंगे वो थे शिवम दुबे, लेकिन शिवम दुबे ने सुबह उठकर बाथरूम में ही कर लिया होगा जो करना था, क्योंकि मैच में तो कुछ कर नहीं पाए। एक ऐसे मैच में जहां पर चेन्नई को 13-14 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड था, वहां पर शिवम दुबे ने 15 गेंद में 7 रन बनाए, और यही नहीं जो बढ़िया कर रहा था रचिन रविंद्र उनको भी आउट करवा दिया। यहां तक आते आते ये क्लियर था कि अब चेन्नई ये मैच जीत तो नहीं सकती, हां क्वालिफिकेशन वाला टारगेट अचीव किया जा सकता है। जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करनी शुरू करी जब 4 ओवर में 63 चाहिए थे, और भाई साहब यहां पर कोहली भाई की चेचिस थोड़ी तो ढीली हुई होगी। आखिरी ओवर में भी 17 चाहिए थे और पहली गेंद पर धोनी भाई ने 110 मीटर का छक्का मारा, जो कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा छक्का था। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो पलटता जरूर है। आखिरी ओवर में एक बार रिंकू सिंह से 5 छक्के खा चुके यश दयाल का वक्त भी पलटा, और उन्होंने अगली बॉल पर धोनी को आउट करके इक्वेशन 4 में 11 रन ला दी। अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर डॉट बॉल खेल गए और उसके बाद सिंगल ले पाए, यानी आखिरी 2 गेंद में चेन्नई को क्वालिफाई होने के लिए 10 रन की जरूरत थी। ठीक वही इक्वेशन जो पिछले साल फाइनल में जीतने को चली थी, और रविंद्र जडेजा ने वो बना भी दिया था, लेकिन सब दिन होता ना एक समाना, हर बार थोड़ी 2 गेंद पर 10 रन बनते हैं यार। जडेजा भाई गेंद से कनेक्ट नहीं कर पाए और चेन्नई वाले प्लेऑफ से। बेंगलुरु ने लगातार 6 मैच जीतकर अपने हिस्से में 14 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे, जो कि चेन्नई के पास भी थे, लेकिन क्योंकि चेन्नई की हार का मार्जिन बड़ा हो गया था इस वजह से उनको नॉकआउट होना पड़ा। अब पहली टीम तो कोलकाता है, चौथी टीम बेंगलुरु, बाकी 2 टीमों का फैसला आज हो जाएगा। आप भी भाई एक चीज तो आप ये समझो, इस साल छोरियां जीती हैं, लड़कियां जीती हैं, क्या लड़के भी जीतेंगे। आरसीबी के लिए भाई तो हैट्स ऑफ टू दिस टीम, मतलब खोया खोई हुई किस्मत को कैसे पलट देना है, मतलब रूठी हुई किस्मत को पलट दिया इन्होंने। बैक टू बैक मैचेस जीते, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, और दूसरी बात इस टीम ने ऐसे खेला है कि
हर मैच आखिरी हो इनका, क्योंकि इनको पता था जिस मैच में इनने गुड़ गोबर कर दिया वहीं भारे हैं। और हर मैच में चढ़ के जो जोश था टीम में, जो अब आरसीबी, अब चलो मेरे मतलब वो वाली दुविधा नहीं है, और झूठ नहीं बोलेंगे भैया, यही टीम है जिसको लगातार हारने के बाद हमने इतना क्रिटिसाइज किया, मैंने कहा यार ये टीम दिल जीत सकती है मैच नहीं जीत सकती, लेकिन सबको रॉन्ग प्रूफ किया। और इसे कहते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये तो टीम ही भाई सब नेक्स्ट लेवल। 100% सपोर्ट आरसीबी को है क्योंकि पहले हमारा सीएसके को और वैसे था ना। और अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इस साल लड़कियां जीती है, क्या लड़के भी जीतेंगे लग रहा है मुझे भाई। लेकिन एक चीज तो है, कल खुशी हुई है लेकिन साथ में ये भी है कि शायद से कल हमने लास्ट टाइम आईपीएल में मेरे को लगता है धोनी को खेलते हुए देखा हमने। मुझे नहीं लगता वो नेक्स्ट ईयर खेलेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब वर्ल्ड कप हुआ था जब वो धोनी उसके बाद आउट हुए थे, उसके बाद धोनी ने चुपचाप से फिर रिटायरमेंट भी ले लिया था उसके बाद, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी वही चीज हो सकती है। लेकिन अगर एक सीजन के लिए यार ये 1% वापस आए तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि इस साल भी देखा गया था क्योंकि वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन भाई देखो उस प्लेयर ने बहुत कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, और कोहली ने भी बहुत कुछ किया है, कल खेली यार से भी चढ़ के ये बोलेंगे। और जब बारिश के बाद जब मैच हुआ ना तो ऐसा लगा कि बॉल इतनी ज्यादा टर्न कैसे हो रही है वहां पर, और वो दिखा रहे थे नॉर्मल बाकी मैचेस में 2.2 डिग्री का टर्न था, कल 3. समथिंग का टर्न, भाई साहब गजब ही। और कल का मैच टर्निंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो था जब गायकवाड़ और डैरिल मिचेल जल्दी आउट हो गए थे, वहीं फंस गए थे। लेकिन कल जिनको भी बोला गया ना कि ये तो चूना लगा दिया कैमरन ग्रीन का इस तरीके से, कल सब ने भाई साहब कर दिया, और क्रूशियल स्टेज थी वो। तो कई बार कहते हैं ना कि प्लेयर अच्छे होते काबिलियत होती है लेकिन वो वक्त अच्छा नहीं होता, आरसीबी का शुरू में वक्त अच्छा नहीं था लेकिन उन्होंने, और कल वही चीज देख, ये कभी सोचा था किसी ने कि आरसीबी और सीएसके का स्टार्टिंग मैच था आईपीएल में है ना, और अब जो कल मैच था ये भी आरसीबी और सीएसके का था, और ये डिसाइडिंग मैच होगा कि कौन प्लेऑफ में जाएगा। ओ भैया मजा आया कल का मैच देख के, मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।